अच्छा काम करने से मतमईन रहें और दूसरों को छोड़ दें कि वो आपके बारे में जैसे चाहें बात करें। अपने साथियों को बुरा कहने वाले दोस्त पर कभी भरोसा ना करें। जिंदगी के कई रास्तों पर एक ही वक्त में चलना मुश्किल है। अकलमंद आदमी को हर उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए जो उसके इख्तियार में ना हो। आसमान के सितारे एक मौसीकी गाते हैं, काश हमारे कान होते। रूह को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है, जहानत, अकल और जज्बा। जहानत और जज्बा दूसरे जानवरों के पास होता है, लेकिन अकल सिर्फ इंसान के पास होती है। उस वक्त तक ना सोएं जब तक कि आप अपने जहन में तीन बार ये ना दोहराएं, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या अच्छा किया, मैं क्या करना भूल गया। जाहिलों से झगड़ने से बेहतर है खामोश रहना। अगर आपसे पूछा जाए खामोशी क्या है, जवाब दें ये हिकमत की मंदिर का पहला पत्थर है। हमेशा वो रास्ता मुंतखब करें जो सबसे अच्छा लगता है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अपनी मर्जी के मुताबिक जल्द ही उसे आसान और काबिल कबूल कर लोगे। अगर आप अपनी हुकूमत के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेते तो आप अहमकों की हुक्मरानी में ज़िंदगी बसर करने वाले हैं। मैं जिंदा लोगों में से सबसे ज़्यादा अकलमंद हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ और वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता।